नमस्कार, मैं अंजलि मलिक एग्रीकल्चर टीचर हूँ और टेरेस गार्डन के लिए लोगों को इनक्रेज करती हूँ, ट्रेनिंग भी देती हूँ, गाइड भी करती हूँ और प्लस साथ में कमर्शियल फार्मिंग पे भी मेरे अंडर में बहुत सारे लोग कर रहे हैं और जितने यंग्स आजकल की जनरेशन के लोग बच्चे हैं वो कर रहे हैं और पढ़े लिखे बच्चे कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आजकल की हमारी जनरेशन को भी अब एग्रीकल्चर का मीनिंग समझ में आने लगा है, इम्पॉर्टेंस समझ में आने लगी है कि कितना इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर हमारे लिए। तो एग्रीकल्चर तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर वो नेचुरल तरीके से करा जाए तो ही वो इम्पॉर्टेंट है। अगर हम उसमें पेस्टिसाइड डाल देते हैं और जो हमारी केमिकल वाली खाद डाल देते हैं तो फिर उसका वो चीज़ नहीं रहती है, क्योंकि उसका हमारे शरीर पे या हमारे समाज पे, हमारे बच्चों पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वो आप लोग को सबको समझ में आ रहा होगा जिस कदर बीमारियाँ बढ़ रही हैं, तो ये तो समझ में आने वाली बात है। तो मैं जो भी फार्मिंग कराती हूँ, चाहे वो टेरेस पे हो चाहे वो कमर्शियल हो, नेचुरल तरीके से ही कराती हूँ, उसमें कोई केमिकल नहीं पड़ता। बल्कि मैं ये कहूँगी कि बहुत सारा मैक्सिमम जो हम फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं वो हम अपने किचन वेस्ट से ही निकालते हैं, और या जो भी हमारे किचन में चीज़ हमारे यूज़ की नहीं है वो हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे एक एंजाइम बनवाती हूँ मैं जो हमारी सब्जी के छिलके या जो भी सब्जी हमारी फ्रिज में ख़राब हो गई, हमारे लिए वेस्ट हो गई, उसका हमने एंजाइम बना दिया, वो एक हम बनाते हैं और वो सब हम कोर्स में अपने सिखाते हैं बनवाना। प्लस हम कंपोस्ट बनाते हैं वही उन्हीं वेजिटेबल्स पील से। आपके आजकल तो बहुत सब्जियों के पत्ते निकलते हैं, मूली गाजर, तो सबको हम इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि मैं संग संग ये भी मानती हूँ क्योंकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हूँ और नेचुरल फार्मिंग जो हम कर रहे हैं उसके लिए एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है हमारा, क्योंकि जो पेस्टिसाइड हम लोग डालते हैं अपने घरों में खेत में वो 1% ही जाता है आपका प्रोड्यूस में, 99% आपके हवा में जाता है। तो जो हम सब खाद लेते हैं, हवा तो हम वही ले रहे हैं, तो अगर हम पेस्टिसाइड नहीं भी डाल रहे हैं या हम सोच रहे हैं कि हम नहीं उगा रहे हैं भाई तो हमें क्या करना है। तो मैं यही देखती हूँ कि लोगों के घर में आजकल प्लांट्स तो सब लगे होते हैं और जैसे तुलसी हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, ये सब तो ये यूज़ करते ही हैं, तो उसमें भी अगर आप पेस्टिसाइड डाल रहे हैं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी कुछ उगाएँ, थोड़ा उगाएँ ज़्यादा उगाएँ, नेचुरल तरीके से उगाएँ। और अगर आपके पास छत है या बैल्कनी है जिसमें 4 से 5 घंटे का सनलाइट आता है तो आप हर चीज़ ग्रो कर सकते हैं अपने घर। अब मैंने अपने टेरेस गार्डन में सारी सब्जियां लगाई हुई हैं, कम से कम 20 तरह की सब्जियां हमने लगाई हैं, मैंने लगाई हैं, क्योंकि नेचुरल तरीक़े से जो हम फार्मिंग करते हैं उसमें हम मिक्स क्रॉपिंग करते हैं। एक ही जगह हम एक ही गमले में 3-4 तरह की सब्जियाँ हम लोग लगा देते हैं, उससे आपका ऑटोमेटिक ही पेस्ट कंट्रोल हो जाता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि पेस्ट, हम सोचते हैं कि पेस्ट आ गया तो इसके लिए कुछ ना कुछ छिड़को इसको मारने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो अगर हम लगा लेते हैं अपने टेरेस गार्डन में तो कीट अपने आप ही नहीं आता है। मेरा टेरेस गार्डन आपको अभी देखेंगे उसमें मैंने कभी कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला, लेकिन कुछ पौधे ऐसे लगाए हुए हैं जैसे गेंदा हो गया, तुलसी हो गया, लेमन ग्रास हो गया, एलोवेरा हो गया, इजवाइन हो गया, लहसुन हो गया, ये आप सब समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें जब हम बीमार होते हैं तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे प्लांट्स के भी ये काम आते हैं। हर गमले में हर पौधे के साथ में 2 लहसुन की तोरियां लगा देती हूँ जिससे कि लहसुन अपने आप में कीट का मैनेज करता है। तो ऐसे बहुत से घरेलू इलाज होते हैं, हम जो पैसे बनाते हैं, हम लोग जैसे नीम अस्त्र बनाते हैं, अग्नि अस्त्र है, ब्रह्म अस्त्र है, तो टेरेस में नीम अस्त्र से ही हमारा काम चल जाता है, क्योंकि टेरेस में बहुत ज़्यादा कीट नहीं आता आपका, ठीक है ना, थोड़े थोड़े मिली बग्स आ गया, आपका एंट आ गई, छोटी छोटी चीज़ें आ गई, वो उससे कंट्रोल हो जाता है। लेकिन वो हम सब कोर्स में बनाना सिखाते हैं, लेकिन इसमें इसके संग संग अगर हम घरेलू नुस्खे आप अपना लें, जैसे प्याज के छिलके आपने वेस्ट किए, हम उसको ओवरनाइट सोक कर देते हैं और उसका पानी से स्प्रे कर देते हैं, वो बहुत अच्छा है। हल्दी उबाल के डाल देते हैं पानी के अंदर, वो आपका पेस्ट कंट्रोल करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको कि हम लोग खाद भी ऐसे ही बना लेते हैं और पेस्टिसाइड भी ऐसे ही बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं अपनी ट्रेनिंग में देती हूँ, सिखाती हूँ, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं मेरे अंदर, ऑल ओवर इंडिया के चल रहे हैं,
लखनऊ में है, अलीगढ़ में है, गोरखपुर में है, तो इस तरह से लोग मुझसे ट्रेनिंग लेते हैं, फिर वो सीख लेते हैं, फिर वो फ़ोन पे बात उत करते रहते हैं, वीडियोस भेजते रहते हैं और मैं उनको यहाँ से गाइड करती रहती हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो ये बहुत, मैं ये कहूँगी कि बिज़नेस भी बहुत बढ़िया है और हमारे समाज की सेवा भी बहुत अच्छी है और हम हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी हम काम कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि मैं किसानों को मार्केट भी देती हूँ, तो जो अर्बन पीपल हैं उन्हें तो मार्केट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपनी मार्केट खुद बनानी पड़ती है। अब अगर एक एकड़ लैंड आपने ले ली और उस पर आपने खेती करनी शुरू करी, तो कम से कम आप 18 से 20 सब्जियां लगाएंगे, क्योंकि हम ये करते हैं कि जितनी सब्जियां आपके किचन में इस्तेमाल होनी है वो सारी की सारी हमें ग्रो करनी है। ये नहीं है कि आप पास आलू है तो प्याज देने वो मार्केट जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। जब तो 25 फैमिलीज आप लोग के लिए इकट्ठी करनी कोई मुश्किल नहीं है, 5 फैमिली आपके फ्रेंड सर्कल में हो गए, 5 आपके रिश्तेदार में हो गए, 5 आपके स्पाउस के हो गए, 5 बच्चों के हो गए, तो 20-25 परिवार अगर आपने इकट्ठे कर लिए तो इट्स मोर देन एनफ। उससे ज़्यादा आप किसी को दे नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका प्रोड्यूस इतना ही निकलेगा, और अगर अच्छा निकलता है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, और बहुत अच्छा है बिजनेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शहरों में मार्केट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ फार्मर्स को ज़रूर है, तो फार्मर्स को हम लोग मार्केट देते हैं, क्योंकि अगर हम सब कुछ नहीं खरीद सकते तो हम किसानों से लेके देते हैं, लेकिन जो नेचुरली ग्रो करता है उसी को हम मार्केट देते हैं, जो केमिकल वाली करता है मैं उसको मार्केट नहीं देती। देखिए डिपेंड करता है, आप देखो आपको टेरेस खरीदोगे तो नहीं, टेरेस गार्डन के लिए जो स्पेस होगा उसी को अवेलेबल आप यूज़ करोगे, तो आप तीन तीन, जैसे मैंने पीछे स्टैंड बनाया हुआ है, 3-3 लाइनें लगाई हैं ऊपर, इस तरह आप जगह जगह बना सकते हैं। क्यारियाँ मैंने बनाई हैं यहाँ पे, इस क्यारी को आप पूरा छत पर लंबा कर दो तो बहुत स्पेस निकल आएगा, राइट। अब जैसे वो दो बनाई हैं, तो बहुत तरीके हैं, डिपेंड करता है आपके पास जितना स्पेस है उतना ही करिए। ज़रूरी नहीं कि आप सब कुछ ग्रो अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट लीफी वेजिटेबल्स तो ग्रो करें, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉइजन लीफी वेजिटेबल्स में है उतना किसी में नहीं है। और हम हमेशा कहते हैं हरी सब्जियां खानी है, हरी सब्जियां खानी है, बच्चों को भी खिलानी है, तो हम क्या कर रहे हैं। मैं कहती हूँ हर इंसान को, चलिए मैं कहती हूँ आप सब्जी नहीं उगा सकते, बट आप जो भी खाद पैसे डाल रहे हैं वो तो ना डालें, कम से कम चाहे किसी में भी ना डालें, तो हम उसकी तो एनवायरनमेंट के लिए तो कर ही सकते हैं। तो एग्रीकल्चर फार्मिंग अपने आप में एक अकेला चीज़ नहीं है, बहुत वास्ट है वो। खाना आपका अच्छा होता है, पानी आपका अच्छा होता है, हवा आपकी अच्छी होती है, आपकी बेसिक जितनी भी नीड्स हैं अगर आप नेचुरल फार्मिंग करके वो सब चीज़ें आप प्रॉब्लम ख़त्म कर देते हो तो और क्या चाहिए हमें। बिजनेस का बिजनेस, एनवायरनमेंट की भी हेल्प, अपनी हेल्थ भी अच्छी, पानी के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या चाहिए और इससे अच्छा क्या चाहिए। तो वन हर इंसान को करना चाहिए, मैं ये मानती हूँ, जो कर सकता है उसे ज़रूर करना चाहिए। बड़ा सिंपल है, कोरोना में एक ही बात कही जाती है, इम्यूनिटी शुड बी स्ट्रांग। इम्यूनिटी कैसे बनेगी, अच्छे खाने से बनेगी, सिंपल सी बात है। अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो इम्यूनिटी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। आप जहर वाला खाना कुछ भी खाते रहें तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो नेचुरल फार्मिंग ही एक सोल्यूशन है कोरोना से बचने। एक्चुअली कोरोना क्या है, एक कोरोना इस साल आ गया, हर साल एक डिसीज़ आ रही है, और ये कहाँ से आ रही है, ये नेचर दे रहा है। देखिए जानवरों को नहीं होती कोई भी डिसीज़, अगर ऐसा कोई हो कि जानवरों को सबको होती, जानवरों को नहीं, इंसानों को ही क्यों है, क्योंकि एक इंसान ही ऐसा है जो अगेंस्ट नेचर काम करता है, जो नेचर ने उसके लिए बनाया है वो उस पर काम नहीं करता है, वो हमेशा अपना दिमाग लगा के, क्योंकि वो सोचता है मैं पढ़ा लिखा हूँ, और अगेंस्ट नेचर जाता है। आज ये नेचर अपना एक रिवेंज ले रही है, मैं तो ये कह रही हूँ कि ये सिर्फ एक नेचर आपको सिखा रही है कि भैया आप संभल जाओ, बहुत देर हो गई, अब भी नहीं संभले तो कुछ नहीं होगा। देखिए टेरेस गार्डन आउटपुट के लिए ये है कि आपको अपने घर की रिक्वायरमेंट देखनी है और आपने वो देखना है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप अगर पूरा अपने घर की खर्चा, मतलब अपने घर का निकाल सकते हैं, कई बार निकल पाता है कई बार नहीं निकल पाता, बट आप थोड़ा सा तो शुरू करेंगे ना एक चीज़ को, और उसके बाद हम किसानों से खरीदेंगे। देखिए मेन तो किसान ही है जो इसको उगा रहा है, क्योंकि हम अपने छत पे गेहूँ चावल सब कुछ तो नहीं उगा सकते, जाना तो हमें किसानों के पास ही पड़ेगा। बट अगर आप अपने छत पे उगाते हैं, जैसे पालक है, अब मेरा इतना पालक हुआ है, साग क्या, मैं आलू के पत्तों का भी साग बना देती हूँ, शलगम के पत्तों का भी साग बना देती हूँ, लोबिया के पत्तों का भी साग बना देती हूँ, तो इतनी तरह की वैरायटी आपको मिल जाती है। नहीं तो मार्केट में आप जाते हैं तो सिर्फ मेथी मिलेगी, सरसों मिलेगी आपको, और पालक मिलेगी। अभी मैं यहाँ पे कितनी तरह का साग, सब चीज़ों के पत्ते आप खा सकते हैं, लेट्यूस है, ये सब चीज़ें हैं आप बोएंगे। उससे भी बहुत बड़ी बात यह है कि हमारे बच्चे
कम से कम हमारे नेचर को पहचानेंगे तो उन्हें समझ तो आएगा एक्चुअली क्या है। आज अगर हम अपने बच्चों से बात करते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, तो इसमें गलती हम पेरेंट्स की तो है। हमने कभी उन्हें मिट्टी से कनेक्शन कराया ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं मिट्टी क्या होती है। आज वो सींचेंगे, पानी डालेंगे, बीज लगाएंगे, तो आप सोचिए कि उनके अंदर एक क्या, कितना उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। और ये जितनी बीमारियां हो रही हैं आजकल, ये सब इसी वजह से ही हो रही है। 90% क्या मैं कहूँ, 99% डिसीज हमारा लाइफ स्टाइल, जो डॉक्टर कहता है लाइफ स्टाइल, तो यही तो लाइफ स्टाइल है। अपने बच्चों को 1 घंटा गार्डनिंग करें, बच्चे मिट्टी में हाथ डालें, बोएं। अभी आप देखिए स्कूल्स के बच्चे हम लोग को अप्रोच कर रहे हैं, फार्मर्स के पास जा रहे हैं, पूरे पूरे एक एक दिन वहाँ रहते हैं, बीज लगाते हैं, फिर वो प्रोड्यूस निकालते हैं, लेके आते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये क्या चीज़ है। और देखो हमने इसमें कोई केमिकल नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, तो कितना अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो ये हमें नेक्स्ट जनरेशन को सिखाने की भी ज़रूरत है। तो बींग ए पेरेंट हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इतना अवेयर करें कि वो ये सब चीज़ें ना खाएं। हम हेल्थ हेल्थ कहते हैं, लेकिन हम बच्चों को क्या बताते हैं हेल्थ के लिए? दूध पे दे देंगे, दूध भी कौन सी गाय का है? जर्सी गाय का है। बहुत लोगों को पता ही नहीं कि जर्सी गाय देसी गाय क्या होती है। दूध पिलाना है 2 बार दिन में, खाना पालक खिलानी है, पालक में अगर आप केमिकल, इतना ज़्यादा केमिकल होता है उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें हमें पता तभी चलेंगी ना, हम जब थोड़ा थोड़ा आगे आएंगे, धीरे धीरे आप लोग आगे आएंगे, कुछ थोड़ा सा उगाएंगे, फिर धीरे धीरे हम बढ़ते हैं सब चीज़ों। हम क्यों जाते हैं पहाड़ों में? क्योंकि वहाँ पर ठंडी हवा, पेड़, यही तो हमें अच्छे लगते हैं ना। बेसिकली तो हम लोग नेचर अटैच हैं ही, नेचर से अटैच हैं, लेकिन अब हम दूर हो गए हैं। तो अगर आप अपने ऊपर भी गार्डन बना लेते तो बच्चा ऊपर आके मिट्टी से हाथ लगाएगा, गुड़ाई करेगा, बीज लगाएगा, तो नेचर से तो रहेगा साथ में ना। अब क्या हो रहा है आजकल, जब छुट्टी हुई होटलों में जाना है और गंदा खाना है, वो खा के हम आ जाते हैं। खेत में ले जाइए बच्चों को, विजिट कराइए किसानों के पास ले जाके, ऐसे बहुत अच्छे फार्म्स बन रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग ही तो करेंगे, स्टार्ट तो हम ही लोग करेंगे ना, तो बच्चे अपने आप आएंगे इसको। मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगी, मेरा जो एक मिशन है, मुझे ये केमिकल नाम के राक्षस को अपनी कमिंग जनरेशन के पास नहीं रहने देना। इसी के लिए मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि जब तक ये केमिकल ख़त्म नहीं होगा, इवन मैं ये कहती हूँ हम केमिकल खा ही नहीं रहे, केमिकल से नहा रहे हैं। सब चीज़ में, फिनाइल में केमिकल है आपका, जैसे आप पोछा लगाते हैं, शैम्पू में केमिकल है। तो ये सारा काम है मेरा, मैं गव्य सिद्धा भी हूँ, देसी गाय के 5 जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं उन पे मैं काम कर रही हूँ। तो हम सब चीज़ ऐसी चीज़ें बनाते हैं, साबुन है, फिनाइल है, तेल है, मंजन है, सब कुछ, जिससे कि हम कम से कम जो कहते हैं कि कोई केमिकल वाला हम चीज़ इस्तेमाल करें, क्योंकि ये केमिकल हमें ख़त्म कर रहा है। कैंसर, ये जो इतना बढ़ रहा है कैंसर, उसका रीज़न ये है कि हमारे बॉडी में इतना ज़्यादा केमिकल है। एसिडिक बॉडी कहते हैं, क्या होते हैं एसिडिक बॉडी? एसिड बन रहा है हमारी बॉडी में। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आगे वाली जनरेशन को कुछ मिले, तो प्लीज़ नेचुरल फार्मिंग अडॉप्ट करिए। वो आपके एनवायरनमेंट को भी सेव करेगी, वो आपके हेल्थ को भी करेगी, और देसी गाय माता को भी हम आगे उसको भी इनक्रेज करें। हमें समझ में आना चाहिए कि देसी गौ माता क्या है, वो क्या है। आजकल जो गौ माता है वो देसी नहीं है, और उसका दूध दूध नहीं है। लेकिन ये बहुत लंबा विषय है, इसलिए इस पर तो इसमें नहीं बात कर पाऊँगी।